मनुआ के ग्रामीणों ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को आवेदन देकर पाइपलाइन बिछाकर पेयजल की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि मनुआ कब्रिस्तान के बगल में 2016 में पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, परंतु अभी तक उससे पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है, जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाने का अनुरोध किया है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति हो सके। आवेदन की प्रतिलिपि स्थानीय विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी को भी प्रेषित की गई है। ये जो स्वास्थ्य विभाग, ये स्वच्छता विभाग से जो है कि जल एवं स्वच्छता विभाग से ये बनी हुई थी, उन्हीं से है ना, ये पानी का जो है टंकी यहाँ बनाया गया था और बरसों से जो है कि ये बंद पड़ा है। सरकार की योजना फेल हो रहा है और निश्चित तौर पर जो है कि इसमें लाखों रुपया की लागत था जी, और उसमें हमारा जो है कि स्थानीय विधायक भी उद्घाटन किए थे, लेकिन निश्चित तौर पर जो है कि ये काम पूरा नहीं हुआ और इसमें पूरे ग्रामीण हम लोग हताश है। पानी पीने की समस्या बढ़ रहा है, इसके वजह से जो है कि तरह तरह के बीमारी फैल रही है।